तो अभी बजे है 10। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आज हम एक वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आशा रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी कबीर बताएगा हम आज कौन सा वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। चल कबीर बता दे। गाइस, मैं रहता हूँ वासदा में और मेरे घर से 10 या 15 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है, वहाँ पे जा रहे हो। तो कबीर का घर है वासदा में, गाँव में, वहाँ पे रहता है और वहाँ से 10 या 15 किलोमीटर का रास्ता है उस वाटरफॉल का, और वो साउथ गुजरात का एक बेस्ट वाटरफॉल है। अभी जाना मानसून के सीजन में, अभी हम जाने के लिए निकलते हैं। ये व्यू देखिए कितना मस्त है। तो यहाँ से अभी 10-15 मिनट का रास्ता है अभी, तो हमको एक स्पॉट मिला है यहाँ से। ये व्यू देखिए कितना मस्त है और ग्रीनरी देखिए कितनी मस्त है। अभी आएगा वगई, अभी वगई स्टार्ट हो जाएगा ना कबीर? स्टार्ट हो गया। अभी हम है वगई में और वहाँ पे देखिए एक छोटी सी रिवर जा रही है यहाँ से ऐसे, बहुत ही मस्त व्यू है। आई होप कि बारिश ना हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अभी पानी जा रहा है, ये देखो, और कितना क्लीन है वाटर, ये देखो, ग्रीनरी बहुत ही मस्त है। अभी टाइम बहुत ही मस्त है यहाँ पे जाने का, मानसून में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब जगह। तो गाइस, हमको यहाँ पे बहुत सारे बंदर मिले हैं, ये देखो सामने की साइड पे, इग्नोर कर दिया मैंने तो। और एक है सामने की साइड पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, बस कबीर अंदर आ जाएगा। और एक पीछे है देखो, बहुत छोटा है वो, तो ये देखो कितने मस्त है ना? इस साइड, ओह माय गॉड, वो देख कबीर, बहुत छोटा सा है वो, देख बहुत ही मस्त है। अगर आप यहाँ से जाते हो तो जरूर देखना, बहुत ही मजा आ जाएगा। और कुछ खाने के लिए इसके लिए जरूर लाना, ये देखो वो देखो वो देखो। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं गिरा वाटरफॉल के पास, तो यहाँ से पहले टिकट लेनी है। और यहाँ पे अभी मैं हूँ पार्किंग में, तो यहाँ पे मेरे पीछे एक होटल है, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो तो अगर यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पे छोटी सी होटल है और रूम भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ से पहले टिकट लेनी है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और पार्किंग भी बहुत ही बढ़िया है, ये देखो, और बहुत बड़ा है और काफी सारी कार है यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। अभी यहाँ से टिकट लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। और टिकट की प्राइस है 20 रुपीज़। तो बांस के आइटम यहाँ पे मिल रही है, ये देखो, एक एनिमल है और ये बोट बहुत ही मस्त है। गिरा दोत के पास आ चुका हूँ, तो यहाँ पे नीचे बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉल है यहाँ पे, और वो सामने देखिए गिरा वाटरफॉल। अभी पानी बहुत ही मस्त जा रहा है और आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ अभी। और व्यू देखिए, व्यू कितना मस्त है। तो अभी यहाँ से जाना है इस सीढ़ी से, चल। हम जिस वाटरफॉल के पास आए हैं वो वगई में पड़ता है, और यहाँ पे नाम है गिरा वाटरफॉल इसका। और यहाँ पे इतने सारे वाटरफॉल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 वाटरफॉल है और नाम है गिरा वाटरफॉल। और पानी का कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और होलीडे के दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, आज के दिन भी काफ़ी सारे लोग आए हैं घूमने के लिए। और व्यू देखिए, अभी आगे जाएंगे और वाटरफॉल देखेंगे। स्पेशल आज यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा आए हैं, वो देखो। तो हमने यहाँ पे जगह ले ली है, यहाँ से व्यू देखेंगे हम। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे रस्सी है ना, आगे मत जाना, यहाँ तक ही जाना, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है, 100 फीट है। और व्यू देखिए कितना मस्त है, यहाँ पे मानसून में आना बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और ये देखिए, और सामने 5 वाटरफॉल एक साथ, और 2 वाटरफॉल उस साइड पे है। काश हम वाटरफॉल के ऊपर जा पाते, वहाँ से जाना पड़ेगा अगर जाना होगा तो, बहुत ही मस्त व्यू आएगा। तो हम वाटरफॉल देख के आ चुके हैं, और एक छोटा सा वाटरफॉल हमको मिला है, दूध जैसा पानी यहाँ से जा रहा है, वो देखिए सामने के साइड पे। अभी हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अभी रस्सी बांधी हुई है, इसलिए अब यहाँ से ही देखेंगे। और गिरा वाटरफॉल अगर आप आने की सोच रहे हो तो थोड़े दिन वेट करना, बारिश होगी तब मज़ा आ जाएगा, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है।
और व्यू तो बहुत ही मस्त है, हमको तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया यहाँ पे। ये देखो ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, पर हम जाएंगे तभी बारिश होगी ऐसा लग रहा है। और ये देखिए पानी बिल्कुल चाय जैसा लग रहा है। और ये सामने के साइड पे देखिए बहुत ही क्लीन वाटर है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे उसके बाद हम जाएंगे। हम जा रहे हैं गांव में से, एक छोटा सा मंदिर हमको मिला है, बहुत ही मस्त है, नदी के पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओह नो, यहाँ पे ब्रिज टूट गया है गाइस, ये देखो सामने, ये देखो। तो हम आ गए हैं, अभी आगे जा रहे हैं, व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है। और मेरे आगे कौन सा कैंप साइट है कबीर? किलाड़ कैंप साइट है। अगर आप यहाँ पे आते हो गिरा वाटरफॉल के पहले आता है किलाड़ कैंप साइट, तो यहाँ से आगे से जाना है। हम जाएंगे वहाँ पे, पानी मस्त जा रहा है और रोड देखो अभी मस्त वेदर हो गया है। वहाँ पे गिरा दोस्त पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ तक हम जाएंगे और व्यू देखेंगे, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे मंदिर है और ये ब्रिज टूट गया है, देखो यहाँ से व्यू देखिए कितना मस्त आ रहा है। और पानी का कलर देखो, और यहाँ पे है पीछे खेत, यहाँ पे आओ तो संभल के आना, टूटा हुआ है ये सब, कभी भी गिर सकता है। ये देखो अभी यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, आई होप कि ये टूट ना जाए। ये देखो छोटा सा चेक डैम बोल सकते हैं ना, चेक डैम। फिर पहुँच गया तो यहाँ से जाना है, और पानी का फोर्स भी ज़्यादा है, तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ से, बहुत संभल के जाना पड़ेगा, स्लीपरी हो सकता है यहाँ रास्ता। ओके, अगर मैं गिर गया तो सीधा पानी में, संभल के जाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। मंदिर देखो सामने है, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। वहाँ पे पानी का फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे देखिए कितना फोर्स है। नदी से था? हाँ नदी से नदी चालू है। और यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा पानी जाता है ना तो ये मंदिर डूब जाता है, क्योंकि देखिए आप अभी भी कितना पानी है। तो पानी देखो बहुत ही मस्त जा रहा है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। चल अभी बता दे कभी गाइस, मैं रहता हूँ वासदा में।